हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का वीडियो है बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो वीडियो आप लोग पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। तो और प्लीज़, और सबसे पहले तो आप लोग प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरी वीडियोज़ पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने सबसे पहले यहाँ पर मतलब शाम से ही वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ रात के खाने से, तो आज थोड़ा जल्दी ही बना रही हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है आज का दिन बहुत ही खास है तो आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। और फर्स्ट टाइम मैं ये काम करने जा रही हूँ तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी मैंने छोले बॉईल करने रख दिए थे, छोले तो हो गए हैं। उसके बाद मैंने मसाला तैयार कर लिया है। छोले में मैंने आलू काट कर छील कर डाल दिए थे साथ के साथ। मतलब मैं छोले में हमेशा आलू ज़रूर डालती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी इस तरीके की जैसे आलू मटर कुछ भी सब्जी खाते हैं ना तो आलू ज़रूर चाहिए होता है, तो इसीलिए मैंने आलू डाला है। और बस नमक हल्दी डालकर तेज़पत्ता काली मिर्च डालकर मैंने इसको उबाल लिया था। तो देखिए आलू और छोले उबल गए हैं। और जब भी कोई ख़ास दिन होता है तो छोले की सब्जी ज़रूर बनती है क्योंकि मेरे घर में सबसे ज़्यादा फेवरेट है छोले की सब्जी। मेरे हस्बैंड की बहुत पसंद है और मतलब बहुत सी तरह की सब्जियाँ पसंद है पर छोले सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अभी देखिए फटाफट से ये है खाना जो हमारा रेडी हो गया। चावल भी बन गया, सब्जी भी बन गई है। पहले मॉल चलेंगे, फिर वहाँ से मैं फिर आएंगे, मतलब धीरे से आएंगे, पापा को पता ना चले, फिर केक और बाकी सामान ले लेंगे। फिर जैसे ही पापा आएंगे चुपके से एक फुग्गा फोड़ देंगे। हाँ अभी बात, और अभी है ना सुबह से शाम हो गई है और हम लोग ना बड़ी सरप्राइज में लगे हुए हैं सुबह से। और इस मतलब है ना इसके पापा को अभी कुछ भी नहीं बताया है और मतलब सुबह से मैं ना अपन लोग मना रहे हैं। हाँ वैसे पापा मनाते नहीं है ना। हाँ तो बड़ा वाला सरप्राइज देने वाले हैं और क्या सरप्राइज, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही जबकि मैंने अभी नहा लिया है, पूजा पाठ भी हो गई और हम लोग जा रहे हैं अब बाहर। चलो बहुत ही सिंपल। हाँ रखो नहीं बोला रहने दो जी। तो चलिए अच्छा पहले ले ही लेते हैं फिर आप लोगों, और आप लोग उनका रिएक्शन देखिएगा। अभी तक कुछ भी नहीं पता है, जैसे ही उनको लेकिन मेरे को नहीं लगता गुस्सा होंगे। नहीं मतलब ज्यादा खुश नहीं होंगे। काय देखती नहीं हमेशा गुस्से में रहते हैं। गुस्से में रहते हैं, सही बोल रहे। इसके पापा हमेशा गुस्से में रहते हैं लेकिन आज देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा होता है क्योंकि एकदम सरप्राइज वाला करने जा रहे हैं और उनको पता भी नहीं है। पर उससे पहले हम लोग मंदिर जाएंगे। आओ इधर आओ। तो अभी देखिए हम लोग आ गए हैं, अब रोड मतलब दुकान जा रहे हैं कुछ हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेने। तो और अभी देखिए हमारे यहाँ की जैसे ही हम लोग घर से निकलते ही हैं इतना सुंदर सजा है ना रोड में सड़क में, बहुत अच्छा। मतलब नवरात्रि में बहुत अच्छा लगता है, 9-10 दिन तक इस तरीके से सजा रहता है। तो अभी हम लोग हस्बैंड जी के लिए कुछ गिफ्ट लेने आए हैं तो वही हमने सोचा ले लेते हैं। और बहुत डर डर के लिया है क्योंकि आप लोगों ने सुना ही होगा कि कार्तिक बोल रहा था कि मम्मी पापा इतना खुश नहीं होंगे क्योंकि वो ऐसे ही रहते हैं, कभी खुश नहीं रहते हैं। तो ये बात तो है, उनकी संकल्पना हमेशा बस ऐसे ही दिखाई देता है कि जैसे मतलब खुश हैं अभी नहीं भी है ना तो वो ऐसे ही दिखते हैं। तो बस यहाँ से हमने ले लिया है गिफ्ट और इतने मतलब इस खुशी का ना मैं कितने सालों से सच में बहुत इंतज़ार कर रही थी कि कब करूँगी ये काम। फाइनली मैंने सोचा अब आज कर ही लेती हूँ, ऐसा मौका अब कभी नहीं आता है और ऐसा आता भी नहीं है। हमारी लाइफ में तो होता ही रहता है, उतार चढ़ाव चढ़ा ही रहता है, कहीं रहता नहीं रहता। तो मैंने सोचा इस बार मैं कर ही लेती हूँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो कर ही लूँगी। तो अभी हम लोग आ गए हैं मॉल और यहाँ पर मतलब है ना मॉल में आए थे तो मैगी चाहिए थी कार्तिक को। वैसे काफ़ी दिनों से पिछले महीने मैं लेकर भी नहीं आई थी, याद है या नहीं है मुझे ध्यान नहीं है।
लेकिन यहाँ ऑफर में लगी थी तो मैंने कहा चलो दिला देती हूँ, तो इसका इसका भी एक अलग फ़ायदा हो गया। कार्तिक भी बहुत खुश हो गया कि चलो सिर्फ मैगी के लिए हम मॉल आए हैं। सामने ही पड़ रहा था ना, हम जिस दुकान आए थे वहीं पे सामने मॉल था, हमने सोचा चलो ले लेते हैं, तो ये भी खुश हो जाएगा और अच्छा लगेगा इसको। संडे को आएंगे ना, जब जाएंगे, अभी जा लेट हो रहे थे ना इसीलिए ज़्यादा नहीं रोके अपन, नहीं तो 35 रुपये पता ना सही रेट में मिली कि नहीं। हाँ सही है कि नहीं पता नहीं, मतलब वैसे दुकान में जैसी 5 की आती है उतना ही है। हाँ अभी घर चले, देखो इतनी बड़ी बड़ी। सारी चीज़ें करने के बाद घर पे अभी सारी चीज़ें रख दी हैं, अभी सेलिब्रेट नहीं किया है। अभी हम लोग सबसे पहले आए हैं मंदिर, आज तो मेरा उपवास भी था क्योंकि गणेश चतुर्थी थी, मुझे गणेश मंदिर आना था, काफ़ी दिन हो गए थे नहीं आ पा रही थी। मेरा मन तो होता है आने को, पर क्या होता है ना वो मुहूर्त ही नहीं हो पाता है कि मंदिर जाएँ नहीं जाएँ, मतलब आ ही नहीं पाते हैं। इच्छा तो मन से बहुत होती है लेकिन क्या करें, टाइम ही नहीं निकाल पाती हूँ कि मंदिर आऊँ, इतना काम रहता है कि समझ ही नहीं आता। अभी हम लोग ने जैसे तैसे करके आ गए, उसके बाद अब हम यहाँ पर पूजा कर लिए हैं, अब हम जाएंगे नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ की अंधेरा सा लगा है ना, यहाँ की पूजा हो गई है, देखो ना सही नहीं आ रही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ग्वारी घाट, अब गणेश मंदिर के दर्शन कर लिए हैं गणेश जी के, है ना कार्तिक। कार्तिक को तो खेलने के लिए कहीं भी जगह चाहिए, खेलने लगता है कार्तिक। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ग्वारी घाट, चलो क्या हो गया कुछ गिर गया। और अभी बज गए हैं कितने, 9:30 बजे हैं। कुछ कुछ खाना भी है, खाना और खाना, कार्तिक को खाना खाना है, भूख लगी। अभी कार्तिक को लड्डू मिल गया, प्रसाद है ना, प्रसाद मिल गया हम लोगों को, इन लोगों ने खा लिया, मैंने रख लिया, मैं घर जाके खाऊंगी क्योंकि अभी वहाँ के भी दर्शन कर लेती हूँ माँ नर्मदा जी के। तो देखिए प्रसाद वगैरह ले लिया है यहाँ पर इन, मतलब जिन्होंने हमें लड्डू चढ़ाए थे उन्होंने लड्डू बांटे थे, तो हम लोग ने लड्डू भी ले लिए, आज हम लोगों को लड्डू का प्रसाद भी मिल गया। अब हम लोग निकल जा रहे हैं यहाँ से, तो देखिए यहाँ से निकलने के बाद हम जाएंगे नर्मदा जी, कितना अच्छा लग रहा था सच में। ये देखिए इतना बढ़िया सुंदर सजा रहता है ना, बहुत ही अच्छी 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 प्रतिमाएँ माता जी रखी हुई थी दुर्गा जी, तो थोड़ी बहुत ये भी देख लिए। अब हम लोग आ गए हैं नर्मदा जी घाट पर आ गए हैं, तो मेरे हस्बैंड, मतलब मैंने ऐसे कोई विचार नहीं किया था कि यहाँ पर प्रसाद चढ़ाएंगे नारियल फोड़ेंगे, पर इन्होंने ले लिया तो मैंने कहा चलो ठीक है अब ये भी हो जाए, मतलब कर लेते हैं। तो चलो अभी यहाँ पर ना पूजा पाठ कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर भी हम लोगों को प्रसाद मिल गया था, हलवा मिल गया था, इतना टेस्टी हलवा, मतलब प्रसाद ना हमेशा अच्छा ही लगता है चाहे वो कैसा भी हो, अच्छा लगता है बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ देखिए हम लोग कर लेते हैं, यहाँ मेरे हस्बैंड ने कर ली है पूजा, अब हम दोनों कर रहे हैं कार्तिक और मैं, और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड नारियल फोड़ देंगे, तो इन्होंने ये फोड़ दिया, थोड़ी सी सेल्फी वगैरह लेंगे हम लोग, मतलब फ़ोटो अच्छा लगता है यहाँ पर घाट में इतने टाइम, शाम के टाइम हम लोग आए थे रात के 9:30 बजे और आधे घंटे में वापस भी हो गए थे। फिर उसके बाद फिर हम लोगों का जो सरप्राइज़ है वो शुरू होगा, और बिना मतलब बताए हस्बैंड को, अभी आप लोग उन लोग उन्हीं का रिएक्शन देखिएगा, उनको पता भी नहीं है कि क्या करने वाले हम लोग। और आज है 29 सितंबर, तो आज मेरे हस्बैंड का हैप्पी बर्थडे है, तो आज तो यहाँ आना बनता है ग्वारी घाट, तो इसीलिए हम लोग नर्मदा जी के दर्शन और आशीर्वाद के लिए भी आ गए। बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू पापा, बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू, पहले केक कटेगा, थैंक यू हैप्पी बर्थडे।
सरप्राइज कैसा लगा ये बताओ पहले, अचानक वाला नहीं सही बात, सीरियसली बताना कैसा लग रहा है, मतलब सरप्राइज है ना धमाके वाला। तो खोलो तो, रुको रुको जी है ना, अपना रिएक्शन बताओ पहले, बताओ रिएक्शन कैसा लग रहा है, कैसा लगा नहीं रिएक्शन लग कैसा लग रहा था तुम्हें? मेरे को काम मालूम है, लाइट हाइट बंद करके वो जला रहे हैं ना। वो तो लिया, क्या बोलते हैं कहाँ है मोमबत्ती, वो पन्नी में थी ना, चलो अच्छा इसको अलग कर दो, अभी जब कटेगा तब। तुम तो बोले नहीं एक बार, पापा बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। पहले मम्मी को खिलाओ, नहीं पहले तो हाँ पहली बार हम लाए हैं, अब हम खिलाएंगे, कहा देखो गिरान लिया ना, कितने साल बाद मना रहे हैं घर में, चले कितने साल हो गए, चलो हो गया बर्थडे खत्म। ले रहे पापा का आशीर्वाद, ले लिए, हाँ ले लिया मेरा आशीर्वाद ले लिया। तो ये रहा हमारा बिग सरप्राइज, नहीं मतलब बिग नहीं है, इनको पता ही नहीं था, सही सही बताना, मैंने तो बताई भी नहीं थी, बताओ मैं ना, हम लोग ना सुबह से इसीलिए गुस्सा गुस्सा थे क्योंकि बताने नहीं चाह रहे थे हम लोग क्या करने वाले हैं ना कार्तिक, इसलिए अचानक मेरे को सरप्राइज दे रहे और पूरा लाइट आइट बंद करके रखे, मेरे को खुद ही नहीं मालूम लगा करने वाले, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ, शादी की मतलब शादी हुए तो 12 साल हो गए, लेकिन शायद मेरा जन्मदिन मेरे को खुद ही ध्यान नहीं आया, पता नहीं मेरे घर वालों ने मनाया भी कभी की नहीं, लेकिन इन लोगों ने तो मनाया, चलो कम से कम इतना तो है। कहना कार्तिक, मैं लड़का कितना खुश हो गया, कार्तिक भी बहुत, कार्तिक तो सुबह से इतना खुश है बहुत ज्यादा है ना, चलो अच्छा खाना भी है ना, सुबह से तो प्लान कर, हाँ चलो अब केक खाएंगे बाहर ना, पहले खाते हैं खाना, ठीक है राहुल, मीठा मीठा बाद में खाएंगे, खाना निकाल लेते हैं, खाना तो मैंने आज मैंने आप लोगों के साथ पूरी वॉइस मतलब शेयर करी है, बिल्कुल कट नहीं की थी, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो हम लोगों की ये छोटी छोटी खुशियाँ ना इतने मायने रखती हैं, बहुत खुश हो जाते हैं सच में, बल्कि कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ हमने अपने हस्बैंड का हैप्पी बर्थडे मनाया, 35 साल की खुशी मतलब 35 ईयर्स के हो गए हैं, और वो कह भी रहे थे मैंने आज तक कभी जन्मदिन नहीं मनाया और उनके घर में किसी ने, तो इसीलिए कार्तिक बड़ा एक्साइटेड था, कह रहा था मम्मी पापा कभी बर्थडे मनाएंगे, और हम दोनों के बीच में एक दिन का फ़र्क रह जाता है मेरा और मेरे हस्बैंड के में, इसीलिए मैंने फिर अपना कैंसिल कर दिया, मैंने सोचा चलिए हस्बैंड का ही कर लेते हैं, क्योंकि फिर इतना खुश हो गए थे बहुत ही ज़्यादा, और अच्छा लग रहा था कि ये बताओ मतलब कार्तिक बहुत खुश था। फिर यहाँ पर हम लोग खाना खाने लगे हैं,
और बस साथ में बैठ कर यहाँ खाना खा रहे हैं। केक पहले खा लिया है, केक बाद में खाएंगे, अभी थोड़ा सा मीठा खाना खाने के बाद। तो आप लोगों के लिए भी मेरे हस्बैंड के हैप्पी बर्थडे का केक है, और सेलिब्रेट कीजिए आप लोग भी। और आप लोग बताइएगा कैसा लगा हमारा ये छोटी सी दुनिया में बहुत ही सिंपल सा, इतनी सारी खुशियों के साथ छोटी छोटी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।